हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आपके साथ पॉल पुट्टी आर्ट शेयर करूंगी। ये एक कप सिरप है जिसको मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये फेंका ना जाए, वेस्ट ना हो। तो वॉल पुट्टी के डो को हमने ऊपर से इसके अच्छे से लगा दिया है चारों तरफ से। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, यहाँ गणेश मूर्ति की स्ट्रक्चर दी जा रही है। उसके बाद हमने उनके पैर बना दिए और उनके डिटेलिंग के धोती के लिए मैंने दो लाइनिंग बना रखी है वहाँ। अब उनके पेट को हम बना रहे हैं, पेट में लगा रहे हैं, थोड़ा सा पेट फूला हुआ, चेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बोतल ऊपर से फूला हुआ है। और उनके हेड के लिए हम लोग गोल सा उसके ढक्कन के ऊपर वॉल पुट्टी का डो से बना रहे हैं। उसके बाद इसको अच्छे से हमें चिपका देना है बोतल के ऊपर। ये तो तुरंत ही चिपक जाता है धूप में रखने की वजह से, ये जल्दी जल्दी चिपक जा रहे हैं। इनके हाथ बना लिए दोनों साइड में और इसको एक हाथ में उन्होंने लड्डू ले रखा है एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए। तो ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। और छोटी छोटी डिटेलिंग करने के लिए सूड अभी मैंने बना रखी थी बट चिपक नहीं रही थी, तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ी देर सुखा लूँ, इसलिए मैंने साइड पे रख लिया बना के। और उनकी हैंड और उनके कान बनाने के लिए भी मैंने दो मिट्टी रख ली अलग से सुखा के। अब उसके बाद हम उनके चिपकाने की कोशिश करेंगे हैंड को, और उससे पहले हम लोग इनके मुकुट को आकार देते हैं, इनके मुकुट को बनाएंगे। और बस ये जल्दी जल्दी चिपक जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हमने जो सूट बना रखी थी और हैंड बना रखे थे उनको हम लोग चिपकाने की कोशिश करेंगे। चिपकाने के लिए कोई ग्लू अलग से नहीं लगाया मैंने, मैंने बस उसके पतली सी घोल बना के उसको चिपकाने की कोशिश की है। थोड़ी सी अच्छी दिखने के लिए मैंने सोचा कि एक उनके गले में माला होना चाहिए। देखिए अभी मेरे सामने से दिख रही हैं उनकी आईब्रोज। और अब मैं सूट भी मैं डिटेलिंग कर रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद अच्छे से मैंने पानी से लेके इसको मुलायम कर लिया, क्योंकि ये तो वैसे ही मुलायम हो जाता है, फिर भी क्रैक से दिख रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़े से पानी ले लेके हाथ से, गीले हाथों से उसको शेप देने की कोशिश की है। ये मेरा फर्स्ट है तो मैं आपके साथ ही सीख रही हूँ ये सब चीज़ें। मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि खुद के लिए टाइम निकालना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग के को सिखाते सिखाते नहीं, एक्चुअली मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ, तो आप लोग के साथ टाइम बिताते बिताते मैं भी कुछ कर लूँगी। अब आ गई पेंटिंग की बारी। ये मेरा दो तीन घंटे में अच्छे से सूख गया, उसके बाद मैंने इसको पेंट करना शुरू किया। आपको जिस हिसाब से जो अच्छे कलर लगे आप उससे पेंट करो उसको। और मैंने गणेश जी के शरीर के लिए और फेस के लिए ऑरेंज और येलो का मिक्सचर लगाया इसमें, और धोती के लिए येलो ही रखा है। उसमें कुछ शाइनिंग लाने के लिए मैं ऑरेंज ऊपर से करूँगी अभी, तो पहले मैंने पूरे शरीर को उनके कर लिया। अभी से ही ये अलग सी मूर्ति लग रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने अपने हाथ से बनाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम से मैंने इसको बनाया है। अब इसकी धोती की डिटेलिंग कर लेते हैं। उसके बाद उनके हाथ में रेड कलर ही अच्छे लग रहे थे, तो रेड कलर में हल्के वाइट कलर मिला के उसको बना रखा पिंकिश टाइप में। और इनकी ज्वेलरी पीली से मैंने कर लिया है कलर, और अब मोदक भी हो गए उनके रेडी। हम मेन पार्ट जो है उनकी आइज़, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि किस ची पतली सी, मेरे पास कोई ब्रश नहीं है पतला वाला, तो फैल जा रहा था, तो मैंने सीख की मदद से इसको कर लिया। और मेरे पास कुछ स्टोन वगैरह पड़े थे जिसको मैंने इनको सोचा सजा दूँ तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये, और इस तरह से मैंने इनको सजा लिया। तो अब लगभग मेरे गणेश जी रेडी हो गए, मेरे गणेश जी तैयार। प्लीज़ मेरे गणेश जी को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।